मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम लेसन 2 सीरीज में टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो हमारे इंडिया कंट्री के अंदर क्या है। वैसे आप देखा जाए तो दो टाइप के सिस्टम मिलते हैं। पहला है टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा है थ्री टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर थ्री टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया जाता है और ज़्यादातर कंट्रीज में आपके टू टीयर ऑफ सिस्टम है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड ए टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ज़्यादातर कंट्रीज में टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चल रहा है। उसके अंदर पहला सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ये दोनों नाम एक ही हैं। ये पूरे कंट्री को गवर्न करती हैं, कंट्रोल करती हैं। अपनी प्लान पॉलिसी जो कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में होता है उनको फ्रेम करती हैं और स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास आउट करती है। तो यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि जितने सेंट्रल के डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, कंट्रोल करती है, उनके लिए फ्रेमिंग करती है प्लान पॉलिसीज की। उसके बाद स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है। उसी तरह से उनके प्लान और पॉलिसीज स्टेट के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही फ्रेमिंग होते हैं, यानी बनाए जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं होती और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पर डिपेंड नहीं होती। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑर्डर्स को भी स्टेट गवर्नमेंट पर लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी जारी कर सकती है लेकिन एक कंपल्शन ऑर्डर पास आउट नहीं कर सकती। और अगर कोई ऑर्डर पास आउट भी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको करे तो बेटर है और अगर ना करे तो वो उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। तो मैंने आपसे बताया कि ज्यादातर कंट्रीज में टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। द सेंट्रल डिपार्टमेंट होल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द प्लान एंड पॉलिसीज विच दे हैव ऑलरेडी बी फ्रेम। यानी कि जितने भी प्लान और पॉलिसीज फ्रेमिंग किए गए हैं वो सब उनके डिपार्टमेंट में अप्लाई किए गए हैं। उसके बाद स्टेट लेवल पर ही स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने प्लान और पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करती है। अब हम बात करते हैं थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आपके इस डेमोक्रेटिक कंट्री में दिखाई देती है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इसके साथ साथ एक और गवर्नमेंट भी होती है जिन्हें हम लोकल बॉडी गवर्नमेंट का नाम देते हैं। क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत वास्ट कंट्री है और अपने आप में डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ही एक्वायर है, इसलिए इतने वास्ट कंट्री को चलाने के लिए, कंट्रोल अप करने के लिए थ्री टीयर ऑफ सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। सेंट्रल, इसके अंदर भी वही कंडीशंस हैं जो आपके थ्री टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नेवर बी प्रेशराइज, नेवर बी इम्पोज द डिसीजंस टू द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल बॉडी गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट इज लिबरल whether the order be followed by the central government or not, they will not be accountable to give the reply to the central government। यहाँ पर ये बताया गया है कि union government यानी central government अपने जो order हैं वो state पर लागू नहीं करती। state की अपनी will है, अपनी मर्जी है, उसे accept करना या उसके अंदर चेंजेस करना या उसे एक्सेप्ट ना करना भी उसका राइट है। उसके बाद हमारे यहाँ पर
इसीलिए हमारे कंट्री को तीन लेवल में डिवाइड किया गया, पहला यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट है हमारी और सेंट्रल लिस्ट है, यानी जिसे हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं, सेंट्रल लिस्ट भी कहता है, उसके साथ साथ कॉन्करेंट लिस्ट भी कहता है। तो यहाँ पर पहला हम यूनियन लिस्ट को डिस्कस करते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशन इंपोर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, एज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दोज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जैसे आपका सेंट्रल डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट है, इनको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ही प्लान पॉलिसी को फ्रेमिंग किया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो आपका स्टेट लिस्ट का हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो भी लॉज बनाए जाते हैं सेंट्रल के थ्रू वो सेंट्रल डिपार्टमेंट में यूज होते हैं, और जो लॉज बनाए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर यूज किए जाते हैं। स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर स्टेट का मैटर डिस्कस किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के ही प्लान पॉलिसी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। थर्ड कंडीशन आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट की। इस लिस्ट को ये कहा गया है कि जो लोकल की पंचायत होती है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है या म्यूनिसिपल कमेटी होती है, वो हमारे यहाँ की लोकल गवर्नमेंट कही जाती है, यानी कि गांव, कस्बे, इनके अंदर जो यानी कि जो रूरल एरियाज के अंदर मैटर उठते हैं उनको सॉल्व करना, उनके लिए प्लान और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए प्लान को मेकअप करना, ये जो है ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट लाइक एजुकेशन। अब जहां पर ये वो लिस्ट है, ये वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर दोनों ही सेंट्रल स्केल का भी और स्टेट स्केल का भी रूल्स और रेगुलेशंस यानी लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे एजुकेशन के अंदर जो सेंट्रल स्कूल हैं उनमें सेंट्रल का पार्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में स्कूल्स आते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। उसके साथ साथ ट्रेड यूनियंस है, फॉरेस्ट है, ऐसे ही क्या कहना चाहिए अलग डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। इफ देयर, अगर हाँ, एक इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि इफ देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सो द स्टेट गवर्नमेंट नेवर बी अप्लाइड वट एवर द रूल्स और रेगुलेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट इज फ्री टू यूज और इम्प्लीमेंट द लॉज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज जो हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक दूसरे की बात को जो है एग्री नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को क्या है वो प्रेशराइज नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इज लिबरल टू एक्सेप्ट द लॉज एंड द पॉलिसीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विश टू मेक, और दे आर फ्री टू मेक द सेपरेट प्लान एंड पॉलिसीज। इसके अंदर ये है कि इफ देयर इज लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अब क्या कंडीशन होती है, एक कंडीशन ये भी है कि अगर किसी एक टॉपिक पर कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और जिस कंडीशन में दोनों गवर्नमेंट जो है वो किसी एक मैटर पर कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को जो है अप्लाई कर दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को इग्नोर कर दिया जाता है। तो मैंने आपके सामने यहाँ टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस कर दिया और थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को भी डिस्कस किया है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। थैंक यू।